हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। ये मैंने जो किसी वीडियो में मेंशन किया होगा, ये वेबसाइट भी आप जानते हैं शायद, गूगल पे आपने सर्च में ये एमसीएम कंपनी के जो जो मटेरियल आता है, जो वूफर स्पीकर जो कुछ आता है, यही वेबसाइट से लोग खरीदते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट है उसमें जीएसटी नंबर डालना नहीं पड़ता। दूसरी एक वेबसाइट है उसमें जीएसटी नंबर के बिना वो कुछ भी सेल नहीं करते। तो भी मैंने 4 वूफर ऑर्डर किए थे जो आ गए हैं। ये पूरा पार्सल करीबन मुझे 11,500 रुपीज़ में पड़ा है, जिसमें सिर्फ 4 वूफर है। तो ऊपर से तो ये कुछ दबा दबा दिखता है मुझे यहाँ से, लेकिन पता नहीं कैसी हालत में आए हैं। और ये ब्लू डॉट कंपनी से मुझे मिला है, तो अभी मैं उसको खोल के उसका अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा। आशा रखता हूँ कुछ डैमेज नहीं हो, क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट तो बराबर है, वहाँ से तो इजी रिटर्न कर सकते हैं। ये वेबसाइट पता पहले से, वेबसाइट से मैंने सारी चीज़ें मंगवाई हुई है। मेरे दो पहले 4 वूफर उससे मंगवाए थे, उसके बाद एक सब वूफर भी उसी से मंगवाया था, और उसके बाद ये पहली बार 4 वूफर उसके पास से मैंने मंगवाए हैं। तो मैं उसको अनबॉक्सिंग करके आपको बताता हूँ कि कैसे हैं। पहली बार ही कर रहा हूँ, मैंने कुछ खोला नहीं है। मुझे भी देखना है कितने महंगे वूफर कैसे आते हैं, वो मुझे भी चेक करना है। तो अभी मैं खोल के उसको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से ये लगाए हुए हैं उस पर, ये सिर्फ प्लास्टिक लगाया हुआ था, और इस तरह से ये 4 बॉक्स पैक किए हुए हैं। और मैं ये आपको जो पूरा डिटेल है वो आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये 11,334 रुपीस में मुझे पड़े हैं। ये उसका मॉडल नंबर है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उसका मॉडल नंबर है, ये नंबर है जो मॉडल नंबर है, ये सब आपको मैंने दिखा दिया। क्योंकि ये बिना, अगर जीएसटी नंबर आपके पास है तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, अगर जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है तो बहुत सारा चार्ज उसमें होगा। तो इस तरह से एक एक ऊपर मुझे 2,401 रुपीस ऐसे कुछ, उसमें जीएसटी के हिसाब से उसका प्राइस बढ़ जाता है, ऐसा कुछ है जो मैंने आपको ये पूरा बिल दिखा दिया, जो इतना पैसा स्पेंड किया है। अभी उसको एक एक खोल के मैं देखता हूँ, भगवान करे अंदर से कुछ डैमेज नहीं निकले तो अच्छा है, वरना रिटर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी चीज़ों को। तो दोस्तों, इस तरह से ये 4 बॉक्स है, जिसमें उसका ये नंबर भी लिखा हुआ है, जो ऊपर का नंबर होता है वही उसमें लिखा हुआ है। ये तो अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो ये मिलते हैं। तभी मैं एक एक को खोल के देख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने पूरा 4 ऑफर खोल दिए हैं। थैंक्स गॉड, कोई डैमेज नहीं हुआ उसके अंदर, कोई प्लास्टिक भी लगाया हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, इतनी अच्छी बात है। और ये उसका मॉडल नंबर है, मेड इन ताइवान है, आइटोम्स लिखा है। अभी उसका भी चेक करेंगे कि उसके वूफर में और स्वेटोन के वूफर में जो आता है 8 ओम्स की जगह 5 ओम्स दिखाते हैं, ये कितने ओम्स दिखाते हैं वो भी पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह का उसका क्वालिटी है, जो एक वूफर, ये 4 वूफर मैंने बता दिया, 11,350 रुपये में मुझे ये 4 वूफर मिले हैं। तो अभी मैं इसको ऊंचा करके आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने बताया था वैसे ही। जो इम्पोर्टेड वूफर होते हैं उसका जो स्पाइडर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, यहाँ का जो मेड इन इंडिया का जो आता है उसका पीले कलर का होता है। और ये 70 वॉट के हैं, ज़्यादा वॉट के नहीं है, और उसमें
ये कॉन के ऊपर कोई मार्क नहीं है देखो, और बिल्कुल लूज उसका वूफर का कॉन दिया हुआ है। और ये रिंग भी बहुत अच्छा, एक ही रिंग दिया हुआ है, टुकड़े कर करके उस पर नहीं लगाया। तो इस तरह से ये है। और मैंने टावर स्पीकर बनाने के लिए यही मैंने ऑर्डर किए थे, क्योंकि स्वेटन का बनाने का मैंने अभी छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे 3.2 ओम से नहीं बनाना था टावर स्पीकर, मुझे 5 ओम से टावर स्पीकर बनाना था, जैसे मैंने डॉगी साउंड का बनाया उस तरह से, इसलिए मैंने उसको ये ऑर्डर किए। दोस्तों सब अच्छी तरह से लगाया हुआ, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेड है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और दूसरा होता है ये मैग्नेट है जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी महंगा मैग्नेट आता है, सस्ता मैग्नेट नहीं आता, उसके हिसाब से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और ये स्टाइल देख रहे हैं, ये उसके ऊपर की जो स्टाइल है वो आप देख रहे हैं, कौन की स्टाइल किस तरह से उन्होंने ये सारा बनाया है। तो ज़्यादा पैसा दिया है, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं होता ज़्यादा पैसा देने का, क्योंकि ये इसके ऊपर प्रिंटेड किया हुआ है, देखो ये प्रिंट लेबल नहीं लगाया ऊपर, उसके ऊपर प्रिंटेड किया हुआ है। तो अभी सारे बाहर निकाल के मैं उसका ओम्स भी चेक करके आपको दिखाऊंगा कि कितने हैं। तो अभी मैं ये सारे बाहर निकाल रहा हूँ, सबको चेक करना पड़ेगा कुछ ख़राब है या नहीं, कोई डैमेज नहीं हुआ सर, सब बराबर है। ये सब साइड में रख दिया, अभी ये आ गए चार। कोई डैमेज नहीं हुआ, अभी उसके पास से मैंने दो ट्विटर भी मंगवाए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं, तो दो ट्विटर भी आए जाएंगे। और मैंने बता दिया कि मैंने कितना पैसा पे किया है, 11,334 रुपीस, ये सारे चार ऊपर के मैंने पे किए हैं, जो 70 वॉट 8 ओम्स के हैं। तो अभी मैं उसका ओम्स भी चेक करके आपको बता देता हूँ कि कितने ओम्स हैं। हेलो दोस्तों, मैं ये सबके ओम्स भी आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ कि कितने ओम्स के हैं। तो ये मैंने नेगेटिव में डाला, ये प्लस में डाला, तो आप देख सकते हैं 7 ओम्स दिखा रहा है, बराबर है। अब ये मल्टीमीटर से भी चेक करके देख लेते हैं, देख लो दोस्तों, उसमें भी 7.2 दिखा रहा है ओम्स। ये तो महंगे वाला मल्टीमीटर है, 7.1 7.2 दिखा रहा है। तो मैं ऐसे सारे सबके चेक करके ओम्स आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अभी ये दूसरा निकाला है, उसको भी ओम्स चेक कर लेते हैं। ये नेगेटिव पे रखा, ये प्लस पर रखा, और देख लेते हैं कितने आते हैं। ये 7 दिखा रहा है, इस पर देखेंगे तो 7.2 7.2 7.2 दिखा रहा है, बराबर है। अभी मैं दूसरे मल्टीमीटर से भी चेक करता हूँ, दूसरा मल्टीमीटर है, उसे भी चेक करके आपको बता देता हूँ। देख लो दोस्तों, 7.4 7.3 दिखा रहा है, ये मैंने यहाँ लीड लगाया है, देख लो, ये 7.2 7.3 दिखाता है। तो दूसरा भी मैंने चेक कर लिया जो आपने देखा, तो तीसरा भी चेक कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, ये दूसरे वाला मल्टीमीटर है जिस पर मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ये 7.4 7.3 दिखा रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ ओम्स पर ही रखते हो तो ये ओम्स दिखा देता है, 7.3 दिखा रहा है।
अभी मैं ये चौथा भी आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वाला है, इसको भी मैं, इसके ओंस भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो तो माइनस पे डाला, और ये देखो प्लस पे लगाया, देखो 7.3 दिखा रहा है ओम्स, 8 ओम्स उस पर लिखा है, 7.3 दिखा रहा है। ये दूसरे मल्टीमीटर से भी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। देखो ये 7.5, 7.3 दिखा रहा है, मतलब 8 ओम्स लिखा है लेकिन 7.2, 7.1, 7.3 दिखा रहा है, लेकिन 5 ओम्स नहीं दिखाता दोस्तों। बस मुझे यही प्रूव करना था कि ये क्वालिटी आपके सामने है। तो अभी मैं, किसी भाई ने बताया था कि आपने ये गलत लेफ्ट और गलत प्लस माइनस पर आपने मल्टीमीटर सेट किया है। तो देखो अभी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये मैंने नेगेटिव पर लगा दिया, ये मैंने पॉजिटिव पर लगा दिया। देख लेते हैं, देखो 5.2 दिखाता है, 5.1 या 5 ये दिखाता है, 5.1 दिखाता है, ये 7.2 दिखाता है, उससे ज़्यादा 2 ओम्स ज़्यादा दिखाता है, ये 2 ओम्स कम दिखाता है। तो अगर भाई ने देख लिया है, अगर वो वीडियो देखने वाले ने, तो मैंने देखो ये बराबर लगाए हैं, कोई गलती नहीं की। और ये 5.1 दिखा रहा है, 2000 पर 5 ओम्स दिखाता है, और 200 पर 5.1 दिखाता है। अगर 2000 जो डायोड चेक करते हैं उसके ऊपर लगाते हैं तो ये 5 ओम्स दिखाता है, और ये 7.1 ओम्स दिखाता है, 1 ओम्स का सिर्फ डिफरेंस आता है। तो मैं गलत नहीं हूँ, ये 8 ओम्स लिखा है और ये भी 8 ओम्स लिखा है, लेकिन लेबल लेबल में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उसका साउंड टेस्ट बाकी के बाद के वीडियो में मैं करूँगा, क्योंकि मुझे ये दिखाना था कि ये महंगे वाले ऊपर कैसे आते हैं। ये मुझे सिर्फ आपको दिखाना था कि ये महंगे वाले हैं, और शायद किसी ने किसी वेबसाइट पर इतने अच्छे ऊपर नहीं दिखाए होंगे। कि शौक दूसरी चीज़ है, और वीडियो पर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए पैसा खर्चना वो दूसरी बात है, मैं शौक के लिए पैसा खर्चता हूँ, इसलिए मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ।